नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo S19 Pro 5G versus OnePlus Nord CE 4 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो S19 Pro में 6.46 इंच जबकि CE 4 5G में 6.4 इंच की लेंथ मिलती है जो कि S19 Pro से कम है। विड्थ की बात करें तो S19 Pro में 2.95 इंच जबकि CE 4 5G में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो S19 Pro में 0.3 इंच जबकि CE 4 5G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि S19 Pro से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो S19 Pro में 192 ग्राम जबकि CE 4 5G में 186 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो S19 Pro में 20:9 जबकि CE 4 5G में 20:1:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो S19 Pro में 6.78 इंचेस जबकि CE 4 5G में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन S19 Pro में 1260x2800px FHD+ और CE 4 5G में 1080x2412px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो S19 Pro में 90.23% जबकि CE 4 5G में 88.57% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो S19 Pro में 453 पिक्सेल प्रति इंच जबकि CE 4 5G में 394 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो S19 Pro में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। और CE 4 5G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो S19 Pro में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और CE 4 5G की बात करें तो उसमें 14 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो S19 Pro में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और CE 4 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो S19 Pro में Immortalized G715MC11 जबकि CE 4 5G में Adreno 720 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो S19 Pro में MediaTek Dimensity 9200+ और CE 4 5G में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो S19 Pro में 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि CE 4 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो S19 Pro में नहीं है जबकि CE 4 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो S19 Pro में 3 कलर्स जबकि CE 4 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
S19 Pro में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 38,700 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें CE4 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 24,993 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 26,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Vivo S19 Pro 5G में 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें OnePlus Nord CE4 5G की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में S19 Pro आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo F25 Pro 5G है, दूसरा Nothing Phone 2A 5G है, तीसरा Vivo V30 Pro 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy A55 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।